हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम क्लास लेकर आए हैं कंप्यूटर वायरस से, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, जहाँ के एग्जाम में बिल्कुल 3 से 4 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 50 से अधिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। अगर आप होशलवाड़ा, सहकारिता विभाग, पटवारी, अमीन पटवारी, आर आई व्यापम जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर तो विगत वर्षों का पेपर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा कवर हम कराएंगे। जितने भी देखिए, सभी व्यापम, पीएससी, पटवारी, आरआई, पुलिस, शिक्षक भर्ती, सभी एग्जामों में पूछा गया। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पूरा जितना भी है, सभी व्यापम पीएससी वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैं पूरा टिक लगाकर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, पूरा व्यापम, सीजी व्यापम, सीजी व्यापम, पीएससी, सभी सभी के सभी, यूपीएससी, पीएससी, बिजली विभाग, व्यापम, व्यापम, पटवारी, सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। टोटल 50 से अधिक प्रश्न करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन का, सहकारिता विभाग का, देखिए सहकारिता विभाग में 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। हॉस्टल वार्डन में आप मरो जी तैयारी आपको करवाया था, यानी कि उसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का, है ना, हॉस्टल वार्डन में। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी का, सभी परीक्षाओं की, व्यापम जैसे तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सही वीडियो लेकर आए हैं। पहली बार आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके रख लेना स्टूडेंट, है ना। तभी देखिए, यहाँ पर सभी व्यापम, पीएससी, एसएससी, व्यापम सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते फिर आज की क्लास। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए होता क्या है, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस देख लेते हैं, उसके बाद पूरा एंटीवायरस, पूरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने वाले पूरा प्रश्न हम आपको कवर कराएंगे, है ना। कोई भी एग्जाम की तैयारी करो बेटा, यहाँ पर चाहे एसएससी, बैंकिंग, कंप्यूटर में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। 10 से 15 नंबर, 20 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन सी बात है। और हॉस्टल वार्डन में 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से कंप्यूटर वायरस से। तो कंप्यूटर वायरस होता क्या है बेटा, देखिए जो कंप्यूटर वायरस है, ये कंप्यूटर विषाणु एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपित कर सकता है, अनुलिपित, है ना, और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, और उपयोगकर्ता इसका पता भी नहीं लगा सकता, पता भी नहीं चलता, यह कंप्यूटर हाईवर को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस इसी को कहते हैं। और हम यहाँ पर देखिए जो कि एंटीवायरस से देखते हैं, जो आपके व्यापम में, एसएससी में पूछा गया है। चलिए एक बार याद करते चलेगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है यहाँ पर, ये आपका कॉल नंबर है, आप यहाँ पर हमें संपर्क कर सकते हैं। ये आपका 93 99 27 87 82, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर चाहे तो हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइएगा, ठीक है। या फिर कोई भी अगर क्लास से संबंधित अगर डाउट क्लियर करना चाहते हैं, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंटीवायरस के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके व्यापम पीएससी में आया हुआ है। नॉर्थन क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बेटा कि इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, नौ जो है एंटीवायरस, एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, 2 से 3 नंबर आपके एग्जाम में एंटीवायरस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। अगर आप सहकारिता विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 15 अक्टूबर को है, तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब देखिए, दो तीन लोग बात करते थे सर लाइव क्लास के बारे में, तो लाइव क्लास हमारा एक नया बैच स्टार्ट किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लाइव क्लास, ठीक है। जो हमारा लाइव क्लास चलती है बेटा, ये आपका रात 7:30 बजे, यानी कि 7:30 बजे से प्रारंभ होती है, 7:30 से 8 बजे, है ना। तो आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। आज से प्रारंभ किया जा रहा है, आज आपको कौन सा दिन है आपका, 20 से 21 सितंबर है, ठीक है। तो आज से हमारा क्लास प्रारंभ किया जाएगा, लाइव क्लास में कंप्यूटर का, और 7:30 बजे आज आपका रहेगा भारत का संविधान, ठीक है। भारत के संविधान में हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एंटीवायरस के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थन है, मैं
मैकफी, क्विकिल, एवस्ट, एवरिया, ये सभी सब आपके एंटीवायरस है, ठीक है, जो आपके व्यापम, पीएससी, ऐसे सभी में देख सकते हैं। यहाँ पर पटवारी के 2017 में पूछा गया, आरआई यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2017 में। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो बेटा, तो इसको अच्छे से समझ के जाना और वीडियो को लाइक कर देना बेटा, ठीक है। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पर वीडियो में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, या फिर वह जो मेंबर क्लास रहता है वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा बेटा, 299 रुपये, 399 रुपये है कोर्स, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक का, सहकारिता विभाग का, पटवारी का, सभी का कोर्सेज आपको मिल जाएगा। तो देखिए, कास्पर स्काई, एवस्ट, ट्रेंड माइक्रो, द रेपर, ये पहला आधिकारिक एंटीवायरस है, सभी के सभी व्यापम, पीएससी, एसएससी, सभी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। देखिए बेटा, यहाँ पर व्यापम, व्यापम, सीजीएस, पीएससी 2019 में भी पूछा गया है ना। तो कमांडो, जोन आलर्न, वाई रोबोट, पांडा, ये सभी क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है बेटा, मालवेयर। ये सब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस शामिल नहीं है, प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार पूछेगा कि इनमें इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इस प्रकार पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें। तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंटीवायरस है पूरा, एग्जाम में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ज्यादा कोई कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न देखते हैं। वारस कब मिला है, वारस का नाम जो कब मिला है, अब ये आपका सन है, आई लव यू, मतलब जो इंडोनेशिया से है आपका 2000 में सन में, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ये भी एक एंटी वारस है। क्रीपर आपका 1971 में, इकले आपका क्लोना है सन 1982 में, और ब्रेनसी ब्रेन है आपको 1986 में। ये सभी का सभी आपका एंटीवायरस है, 2003, 2004, ये सभी, ये क्या है आपका पूरा एंटीवायरस है, ट्रोजन, ये सभी पूरा एंटीवायरस है बेटा, प्रथम कंप्यूटर वायरस एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर वायरस जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप बताएंगे बेटा क्रीपर क्या है, क्रीपर जो आपके व्यापम में पूछा गया है। और हैप्पी बर्थडे जोशी, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है, याद रखना, भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है जो हैप्पी बर्थडे जोश, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कंप्यूटर वायरस है ना, जो हमारा प्रथम कंप्यूटर वायरस है वो आपका क्रीपर होगा, ठीक है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल 50 से अधिक एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जो आपके एंटीवायरस से पूरा का पूरा कंप्यूटर के एंटीवायरस से पूछेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, टेंड माइक्रो क्या है, तो टेंड माइक्रो आपका हो जाएगा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। टेंड माइक्रो क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेकंड है, उन वायरस का क्या नाम है जो यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करता है, या फिर डाउनलोड होने का, या फिर आपको मूर्ख बनाने का। तो आपको कैसे पता लगाना, इसको मैं आपको बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है बेटा, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेना, कोई भी एग्जाम आपका बेसिकली क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे आप हॉस्टल वार्डन, सहकारिता विभाग, पटवारी, अमीन पटवारी, आरआई, रिवेन्यू पर, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें बेटा, अगर यहाँ सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना एक बार में आपको याद नहीं होता बेटा, वीडियो को 2 बार देख लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने दिखावा करता है, दिखावा का मतलब होता है, समझ रहे हो ना, दिखावा का मतलब, बताने की आवश्यकता नहीं है। डाउनलोड, जैसे आप गूगल, मान लीजिएगा आप गूगल में सर्च करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि मुझे इस टाइप का चैनल चाहिए, या फिर मेरा ही चैनल ले लो, तो आपको दिखावा कर देगा, डाउनलोड होने का दिखावा करेगा, लेकिन वो डाउनलोड असल में नहीं होगा बेटा, वही है आपका ट्रोजन हार्स। और ट्रोजन हार्स बेटा एक एंटीवायरस नहीं है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, एंटीवायरस है नहीं, ठीक है, एक वायरस नहीं है, मतलब ये ट्रोजन जो हार्स है आपका वायरस नहीं है, एंटीवायरस है, ठीक है, ट्रोजन हार्स एंटीवायरस है, आपको वायरस नहीं है।
मूर्ख बना देगा, वही है ट्रोजन हॉर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलाने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? तो मान लीजिए आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन जो वायरस को फैलाता है उसको माइको वायरस कहा जाता है। ठीक है, ली हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व में मतलब एक्टेंशन में आता है? ये आपका हो जाएगा command.com। ठीक है, कंप्यूटर में फैलाने वाले वायरस को क्या कहते हैं? जो हमारा कंप्यूटर रहता है उसको फैलाने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? एक मिनट थोड़ा सा, उसको हम यहाँ पर जो कवर करा रहे हैं जो आपका होगा वो बिल्कुल होगा। एक मिनट थोड़ा सा, कंप्यूटर में फैलाने वाला जो वायरस है आपका, उसको यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ओके, और व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर बेटा जो गोपनीय जानकारी प्राप्त करता है उसको फिशिंग स्कैम कहा जाता है। फिशिंग स्कैम, ये जो क्वेश्चन आप सभी को करा रहा हूँ ये आपके व्यापम में पीएससी में पूछा गया है विगत वर्षों से, यानी कि मैं आपको कवर करा रहा हूँ विगत वर्षों का पूछा गया प्रश्न है बेटा, प्रीवियस वर्ष का। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह आपका 7 से 8 सालों का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ पीडीएफ में। ठीक है, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेंबरशिप में मिलेगा बेटा। ये मेंबरशिप में आपको 299 रुपये पैसा देना पड़ेगा, तब आपको जाकर पीडीएफ डाउट क्लास आपको प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, मतलब पर्सनल वीडियो चाहते हो ना, अगर आप पर्सनल खुद के लिए वीडियो चाहते हो तो आपको प्राइवेट वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा 299 रुपया, है ना, जो आपके मेंबरशिप में हमारे जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप जाके हमारा ग्रुप में जुड़ जाएगा या फिर हमारे चैनल के ज्वाइन के बटन दिख रहा होगा, जैसे सब्सक्राइब रहेगा ना, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक कर लेना, वहां पर आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा मेंबरशिप में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पूरा पैसा आपको भी मिल जाएगा। ठीक है, और यूट्यूब में फ्री पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड किया जा रहा है। हाँ, टाइम बम कब होता है? टाइम बम आपका किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। ठीक है, और कुछ वायरस के डीलोड और पेलोड को बॉम कहा जाता है। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो आपका पहला जो बूट सेक्टर वायरस है आपका ब्रेन है। ये देखिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर एंटीवायरस जीके क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं ना अभी 2023 में। अभी हम आज आपका 21 सितंबर है, आज का ही वीडियो है बेटा, ये आज का वीडियो है 21 सितंबर का, है ना, 21 सितंबर का है ये वीडियो, आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपका सहकारिता विभाग में 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, 15 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो आपके पास मात्र 20 से 22 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप कंप्यूटर का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, आप जेटू क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना बेटा। यहाँ पर हम इतने मेहनत से आप सभी को, हमारा जो मेहनत है ना जाया ना कीजिएगा, हमारे कॉन्टेंट को समझिएगा और वीडियो को लाइक कर देना, है ना। पहला कंप्यूटर वायरस आपको बताया ना, पहला कंप्यूटर वायरस हमारा जो है कौन सा है? अभी आपको बताया था एंटीवायरस में, क्रीपर। क्रीपर जो आपका पहला कंप्यूटर वायरस है बेटा, सबसे सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। एक ऐसा वायरस है जो सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर, जो वायरस की तरह वह केवल प्रणाली खुद को ही प्रतियां बनाता है तो वह स्वयं हो जाएगा, है ना, यह कंप्यूटर माध्यम से प्रचारित करता है वह सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम कहा जाता है। ओके, यह एक वायरस है सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम के बीच अंतर, जो वायरस को करता है स्वयं के लिए। आप कैसे याद करेंगे इसका वर्म आएगा आंसर, कैसे याद करेंगे? सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम यानी कि खुद का। ठीक है, खुद का, खुद का या फिर स्वयं का। ठीक है, खुद के लिए या फिर स्वयं के लिए। ओके, अब यहां पर देखिए एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस, एंटीवायरस प्रोग्राम होता है या फिर कोड होता है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर प्रोग्राम दिया रहेगा, प्रोग्राम दिया रहेगा तो आपको प्रोग्राम आएगा या फिर आप कोड ले सकते हैं। एक कंप्यूटर वायरस होता है, क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है। ठीक है, स्वयं को दोहराता है।
निम्न में से कौन सा एक प्रकार का वायरस नहीं है? तो वायरस नहीं है का मतलब होता है ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, वायरस नहीं है पर ट्रोजन हॉर्स है, ये आपका क्या है, एंटी वायरस है, एंटी वायरस, ठीक है, आपका एंटी वायरस है ट्रोजन हॉर्स, जो डाउनलोड होने का दिखावा करता है, आपको मूर्ख बनाता है। याद रखना, याद करने का तरीका आपका है, याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद करने का तरीका है कि इसको कैसे याद करेंगे, तो ये डाउनलोड होने का दिखावा करता है, डाउनलोड होने का दिखावा करता है, या फिर आपको मूर्ख बनाएगा, मूर्ख बनाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का एक मॉलिक्यूलर कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेटिंग करता है, ये वायरस है। उनमें से कौन सा वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका आइडिया वे नहीं है, आइडियल ए वे नहीं है, तो आपका ऑफिशियल एंटीवायरस CDS। एप्लीकेशन वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया है, मतलब एक्सटेंशन में आया है, तो ये आपका हो जाएगा 1981। 1981 के मध्य जो एप्लीकेशन कंप्यूटर है, पहला वायरस आपका हो जाएगा Apple 2। वायरस यानी कि विभिन्न तरीकों से पता लगाने वाले, यानी कि डिलीट से खुद को छुपाता है, वो तो कितने प्रकार का होता है, तो आपका 4 प्रकार का होता है। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है, तो ईमेल खोलने का, जैसे आप ईमेल खोलोगे ना तो हार्ड डिस्क में आपको वायरस ला जाएगा, इंस्टॉल हो जाता है, या फिर कंप्यूटर के मेमोरी में छिपा रहता है, या उन विशिष्ट प्रकार के फाइलों को शामिल रहता है जो इसे संक्रमित यानी कि इफेक्टेड कर रहा है, तो उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को कौन से रूप में जाना जाता है? तो नॉन रेसिडेंट वायरस के रूप में जाना जाता है। एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है, वो आपका आएगा मल्टीपर्टाइटस वायरस। खाली स्थान को पहचानना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, ये आप सभी को भाषा सुना होगा। ये अपने टाइप्स के हस्ताक्षर करता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है, उन सभी फाइल को डिलीट कर देता है जो संक्रमित रहता है। देखिए, उन सभी फाइल को क्या करता है बेटा, डिलीट कर देता है जो संक्रमित रहता है, संक्रमित रहता है, वो आपका आएगा ओवर वाइट वायरस। खाली स्थान को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है, तो स्पेस फिलर वायरस। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाई नहीं करता, वो आपका आ जाएगा संरक्षण। कौन एक प्रकार का प्रोग्राम है जो यह होने का दिखावा करता, आपको बताया था ना, होने का दिखावा करेगा, डाउनलोड, डाउनलोड होने का दिखावा करेगा, या फिर आपको मूर्ख बनाएगा, यह है आपका ट्रोजन हॉर्स। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो प्रकृति स्वयं के लिए, यहाँ पर फिर से पूछा गया, स्वयं के लिए आएगा वर्म। वायरस लगातार आएगा, वही वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवेयर अभी अभी को बताया था, यह भी आपका मालवेयर है, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर का शोषण करता है ना यूजर का, जैसे डिजाइन में हो गया है, कंप्यूटर हो गया है, वायरस हो गया है, वर्म हो गया है, ट्रोजन है, एडवेयर है, आदि को कवर करने वाला होता है मालवेयर। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है या हार्ड ड्राइव को निजी जानकारी है, तो जो इटर आता है ना आपका, ब्राउजिंग डाटा के लिए स्कैम की जाता है आपका स्पाईवेयर। 34 का है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो हैकर द्वारा अपने कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेट का एक्सेस डिजाइन किया जाता है आपका रूट किट्स। वह कंप्यूटर प्रोग्राम, वह कंप्यूटर जो अटैक कर जो संचालित नेटवर्क को छोटे छोटे पैकेटों में कैप्चर करने पर केंद्रित करता है, या प्रकार जानकारी तलाश में डेटा को संग्रहित
तमावी पढ़ाता है आपका कहलाएगा एयरस्टन ड्रॉपिंग। खाली स्तन को कैविटी वायरस के रूप में जाना जाता है, तो आपका स्पेस फिलर वायरस आएगा। ठीक है, स्पेस फिलर वायरस उन सभी वायलों को जो फाइल जाता है आपका डिलीट कर देता है, या संक्रमित इन्फेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं अवर राइट वायरस, जो आपकी आपको क्लास में पढ़ा दी। ये भी आपको बता दिया था, वही क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपको अभी बताया था, ये सभी अभी आपको बताया था, ये भी आपको अभी बताया था, बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी आपको बताया हुआ है कि अभी तीन लिया यहाँ पर विभिन्न तरीकों से पता लगाने खुद को छिपाता है तीन प्रकार का। है ना, तीन प्रकार का एक कंप्यूटर जो मॉलिक्यूलर कोड है, वायरस अभी आपको पढ़ाया मैं, और कौन सा वायरस नहीं है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक एंटी वायरस है बेटा, एंटी वायरस। ठीक है, एंटी वायरस कंप्यूटर वायरस के प्रकार होते हैं, तो कंप्यूटर वायरस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन व्यापम आपका लेता है 10 प्रकार, इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन व्यापम इसका आंसर 10 लिया तो क्या करेगी बेटा, 10 लेना पड़ेगा। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूज करता है, ये आपको बता दिया, आपके मालवेयर अभी आपको पढ़ा था जस्ट, इसको हम अभी पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़े हैं स्वयं का, ये भी अभी पढ़े हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा, 50 से अधिक क्वेश्चन कराऊंगा बोला था ये, है ना, ये भी आपको पढ़ा था, वायर सेक्शन है, फूड सेक्टर ये भी हो गया है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोड होता है ये भी हो गया है, एंटीवायरस ये भी आपको माइक्रो वायरस होता है। सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है जो निःशुल्क है, आपका सीएच पीसीएल यानी कि विद्युत विभाग 2019 में पूछा गया है, विद्युत विभाग, विद्युत विभाग में पूछा गया है। ठीक है, विद्युत विभाग में पूछा गया है, ये आपका आ जाए एवीजी। एवीजी इस प्रकार होता है, ए बी सी, एवास्त इसको कहा जाता है, ए वास्त, एवास्त कहा जाता है। ठीक है, ये आपका एंटीवायरस है, लेकिन निःशुल्क पूछा जाए ये सभी एंटीवायरस है, पांडा मैक कीपर नॉर्थन ये सभी एंटीवायरस है बेटा, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, निःशुल्क का पूछा गया है, तो ये आपका एवीजी आएगा। इतना डिटेल और इतना मेहनत से आप सभी को क्लास कराते हैं बेटा, वीडियो में लाइक आना चाहिए ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हम इसे क्लास ले पाए और हमें खुद अच्छा लगे। अगर आप लोग यह वीडियो में अगर कम व्यूज आएगा या फिर कम लाइक आएगा, तो हमें पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, है ना, पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। यह आपका 2019 में पूछा गया है, ऐसा कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद को यानी छुपाता है या पहला हमला करता है, व्यापम के पटवारी 2019 में पूछा गया है, ट्रोजन हार्स। सभी के सभी क्वेश्चन व्यापम में ही पूछे गए हैं, एक तकनीक जिसमें प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग कर नेटवर्क पर हमला करता है, आपका स्फमिंग कहलाता है, पटवारी 2019 में पूछा गया है, स्फमिंग। यह आएगा आपका प्रश्न है, पासवर्ड से प्रयोगिता क्या आएगा, फाइलों को गोपनीय बरकरार करता है। अब ऐसा कौन सा जो कैपेनियन वायरस का उदाहरण नहीं है, कैपेनियन अब होता क्या है, कैपेनियन तो सीएमजी होता है, सीएमजी, और इनका फुल फॉर्म क्या होता है बता, आप लोग कमेंट करके बताएं, फुल फॉर्म क्या होता है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग बताएं कमेंट करें। कंप्यूटर सिक्योरिटी को भी संक्रमित करता है आपको, मल्टीपर्पज टाइटिस वायरस कहा जाता है, इसको इस प्रकार लिखेंगे, मल्टी पर्पज टाइटिस वायरस, है ना, जो आपके विद्युत विभाग सीएचपीएससीएल 2019 में पूछा गया है। कौन सा वायरस है जो उन फाइलों को मिटा देता है जिन्हें संक्रमित करता है, ओवर राइट वायरस से कहा जाता है, ओवर ओवर राइट वायरस। ठीक है, ओवर राइट वायरस आपका 2019 में पूछा गया विद्युत विभाग।
पारस फ्लॉपी हीरा को प्रभावित करता है, आपका आ जाएगा बूट सेक्टर, आपका विद्युत विभाग 2019 में पूछा गया। निम्दा एक वायरस है, नेटवर्क, या आपकी विद्युत विभाग में पूछा गया है। धोखाधड़ी के रूप में जिसमें एक हमलावर या ईमेल या संचार चैनल को प्रभावित, प्रतिष्ठित या व्यक्ति के रूप में सामने आता है, उसको फिशिंग कहते हैं। यह भी आपका विद्युत विभाग में पूछा गया है। यानी कि हम सभी क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन लेकर आए, सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, सभी के सभी क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है बेटा, है ना। तो सभी एक बार वीडियो को क्लियर कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। और सबसे बड़ी बात क्या है बताऊं आपको, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और वीडियो को वॉच लास्ट तक जरूर देखना, और अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों, सहपाठी, सभी को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें। हम इतने मेहनत से आप सभी के लिए हमारा जो टाइम है उसको मैनेज करते हुए टाइम में आप सभी के पास लाते हैं ना। आ जाएगा ट्रोजन। कौन सा वायरस एग्जीक्यूट होता है जो प्रारंभ में होता है, आपको बूट सेक्टर है, आपके सीजी व्यापम, एसीसी 2019, सब ये 2018 में। कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है, तो ये सभी है, नॉर्थन है, मैकपी है, सोमर्स है, ये सभी है। ये आपका आ जाएगा जोम्बावी। कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है, वैक्सीन। आप सभी ने कोरोना काल वाला देखा था, कोरोना काल 2019 में, कोरोना काल 2019 वाला आप सभी को सुना होगा, 2019 में वैक्सीन, वही है बेटा, दूसरा नाम एंटीवायरस का दूसरा नाम आपका वैक्सीन। ये सभी एग्जाम में पूछा गया है, सभी इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, सभी देखिए, सभी का सभी क्वेश्चन आपके व्यापम, पीएससी, एसएससी, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, सब का सब व्यापम में पूछा गया है। इसका पूरा पूरा आपको पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा बेटा, या फिर मेंबरशिप, मेंबरशिप में मिलेगा आपको। 299 रुपये पैसा देना पड़ेगा बस, या फिर 300 आपको पीडीएफ, नोट्स, डाउट क्लियर, सभी आप वहां पर मिल जाएगा बेटा, मेंबरशिप में आप जुड़ जाओगे एक बार। हाँ, मेंबरशिप मिल जाएगा, लिंक नहीं है बेटा उसका, ये सब्सक्राइब के जो बटन है ना, वहां पर ग्रुप है मेरा, वहां पर ज्वाइन बटन, वहां पर क्लिक बस करना है, आपको वहां पर मिल जाएगा। ये सभी कितना सारा, बहुत सारा क्वेश्चन है इसको, सभी व्यापम पीएससी में आया हुआ है। और अगर आप ये जो टॉपिक में लेकर आया हूँ, टॉपिक में जो लेकर आया हूँ, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपका बेटा 5 से 6 नंबर यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा और फंसेगा बेटा 5 से 6 नंबर। सभी व्यापम पीएससी में पूछा गया, देखिए सभी का सभी का पीडीएफ है ना, नोट्स हमारे मेंबरशिप में मिलेगा, सभी के सभी व्यापम वैसी, सभी के सभी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, कितना सारा आपको क्लास कराऊं बताऊं मैं आपको, इसका आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। चाहे तो आप यहाँ पर मेरा नंबर है, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। 93 99 27 87, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मेंबरशिप में मिलेगा बेटा इसका पीडीएफ, आपको पैसा देना पड़ेगा, 299 रुपये आपको पैसा देना पड़ेगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, है ना। मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। पहले आप लोग मेंबरशिप में ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पूरा प्राइवेट पर्सनल वीडियो मिलेगा आप, सभी के सभी व्यापम पीएससी में पूछा गया है, सब क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा, देखिए बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, बहुत सारा है, आपको मिल जाएगा पूरा, है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको पूरा मिल जाएगा, सभी के सभी क्वेश्चन। या देखिए पूरा अमीन पटवारी, 17 पटवारी, पटवारी है ना, ये सभी है ना, व्यापम पीएससी, पीएसटी, व्यापम, अगर दोनों की तैयारी करें बेटा, हर्षल वाड़ा न हो गया, अमीन पटवारी हो गया है, आर आई हो गया है, सभी
सभी का सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। पूरा कवर हो जाएगा आपका, पूरा सभी देखे, सभी के सभी व्यापम, है ना, पूरा व्यापम आ रहा है अभी पर बता रहा हूँ ना, सब व्यापम पीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 22, है ना, 16, 17, 18, सब का सब। ठीक है, अमीन पटवारी, लेबर इंस्पेक्टर, 2023 में भी लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ है वो भी, और यहाँ आप देखिए 15 में लेबर इंस्पेक्टर है, सब व्यापा में पूछा गया है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे मेंबरशिप में मिलेगा, है ना। 100 से अधिक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बेटा इसका, बहुत सारा, लेकिन कितना सारा, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा। इसको वीडियो में याद कर लो और इसका पीडीएफ को अच्छे से घोल के पी जाओ बेटा, घोल के, है ना, घोल के पी जाओ। 100 से अधिक क्वेश्चन है, 100 से अधिक, पूरा सभी व्यापम पीएससी का है, सभी का सभी पूरा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बेटा, पूरा बहुत सारा, कितना सारा मैं कराऊंगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस पैसा देना पड़ेगा आपको मेंबरशिप में। मेंबरशिप में बस पैसा देना पड़ेगा, 299 रुपये मात्र, 299 रुपये हम आपको पूरा, बहुत डेली आपको पीडीएफ मिलेगा ऐसा पूरा। देखिए सीजी व्यापन 2017-18, विद्युत विभाग एग्जाम्पल सभी। अब यहाँ से पूछता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, फूड सेक्टर वायरस क्या है, तो सामान्यता या कंप्यूटर फूड सेक्टर अपने आप फैलता है, पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा, है ना। माइको वायरस क्या है, पॉलीफॉर्मिक वायरस क्या है, मल्टीपर्पटाइजस क्या है, कितना सारा क्वेश्चन है बेटा आपको, कितना सारा कराऊंगा, सभी व्यापक में पूछा गया है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, पूरा पूरा का पूरा व्यापक में पूछा गया है, सभी का सभी देखिए, पूरा इतना सारा क्वेश्चन है, पूरा अभी व्यापम व्यापम पीएससी सभी पूरा पूछा गया। ये सब एग्जाम में पूछता है, पूरा एग्जाम में पूछता है बेटा, पूरा का पूरा एग्जाम में पूछता है ना। फिशिंग स्कैम, क्रैकर, एजीडीओ 2018 में पूछा गया था, है ना, पूरा का पूरा एग्जाम में पूछता है ना। ये देखिए पूरा पटवारी प्रशिक्षण विभाग सब बेटा पूरा पूछता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, चैनल को, ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। पूरा पीडीएफ मिल को आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, पहले बेटा इसको सब्सक्राइब, और वीडियो को तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ना, इतना मैंने सब सभी के लिए कंटेंट लेकर आते हैं, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक नहीं करोगे ना, ये सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो आपको पीडीएफ भी नहीं मिलेगा, और फ्री में भी क्लास नहीं दूंगा मैं तेरे को, ठीक है, फ्री में भी क्लास नहीं दूंगा मैं, बता रहा हूँ क्या है, इतना मैंने सब वीडियो बनाते हैं, है ना, तो आपको लाइक करना चाहिए चैनल पर, तभी तो मजा आएगा भाई, इंटरेस्टिंग रहेगा हमको भी कि हमारा वीडियो वॉच कर रहा है, आप सब लोग को पसंद आ रहा है ना। पूरा मिलेगा, बस ये सभी हम आपको कराएंगे। एंटीवायरस से पूछे जाने वाले प्रश्न कराएंगे, मल्टीमीडिया से पूछे जाने वाले प्रश्न कराएंगे, प्रिंटर से, कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट, पूरा कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सभी के सभी क्लास आपको 15 दिन में कवर करा देंगे, 15 दिन में, 15 दिन में कवर करा देंगे। बस यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन बटन है वहां पर क्लिक कर लो, मेंबरशिप में जुड़ जाओ, आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा, है ना। तो अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं, कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, कंप्यूटर का पूरा आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ, व्हाट्सएप सब मिलेगा, बस मेंबरशिप में जुड़ जाओ। 299 रुपये लगेगा बेटा, ज्यादा पैसा नहीं ले रहे हैं हम, 299, अगर अच्छी अच्छी क्वालिटी पाना चाहते हैं तो 399 रुपये, बस 1 महीने का कोर्स है। हाँ, हॉस्टल वार्डन है, कोई भी पहले कॉन्टेक्ट कर लेना मुझसे, पहले कॉन्टेक्ट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाय 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 बाय, चलिए।